Hello everyone, welcome to Dive to Learn. We are discussing Indian Contract Act 1872, and this is the part 7 in the series where we are going to cover the topic under consideration. Consideration में हमने last video में जो है legal rules of consideration देखा था, काफी detail में देखा था part 6 में, and today we will talk about exceptions to the rule of consideration, यानी कि no consideration, no contract. So let's begin. No consideration, no contract. An agreement made without consideration is void. यानी कि अगर हम केवल bare promise करते हैं, केवल bare promise किया गया जो है, कोई भी right of action arise नहीं कर सकता है अगर हम केवल promise करते हैं. कहने का मतलब a promise without consideration cannot create a legal obligation. The general rule is that agreement made without consideration is void. ये तो हमने कवर किया है, पहले ही इस पे बात की है. कोई भी agreement में friends किसका होना जरूरी है, consideration का होना जरूरी है. हमने जब देखा था essential elements of valid contract, one of the element is your consideration. So अगर consideration नहीं होगा तो contract को जो है void माना जाएगा. This means that consideration जो है बहुत जरूरी होता है in all the cases of a valid contract. अब इसके कंसिडरेशन ना होने के बाद भी अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है सो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसी को हम कवर करेंगे. फर्स्ट एक्सेप्शन है लव एंड अफेक्शन. लव एंड अफेक्शन के केस में जो है बिना कंसिडरेशन के, जैसे एग्जांपल आपका फादर सन का रिलेशन हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो गया. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है लव एंड अफेक्शन के, जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. नदर इज कॉम्पेंसेशन फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज. कोई भी वॉलेंट्री स्वेच्छा से, जैसे कि आग में आपका घर जल रहा है और किसी पर्सन ने स्वेच्छा से जाकर के आग बुझाने में आपकी मदद की, सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एनी वॉलेंट्री सर्विस. देन द प्रोमिस टू बी पे अ टाइम बार्ड डेट. यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम बार्ड डेट मतलब की जो डेट को पे करने का समय था वो निकल चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉमिस किया जा रहा है, अच्छा मैंने पहले तो नहीं पे किया, अब मैं पे करूंगा. नेक्स्ट इज योर कंप्लीटेड गिफ्ट. आपने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है आईफोन गिफ्ट कर दिया है, तो क्या आप उससे वापस ले सकते हैं आईफोन के पैसे ब्रेकअप के बाद? नहीं. सो दीज आर कपल ऑफ एक्सेप्शंस, एजेंसी, चैरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सो लेट्स बिगिन. हम जो है एक एक को डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे वीडियो सेशन में. सो सबसे पहले बात करते हैं लव एंड अफेक्शन की. लव एंड अफेक्शन कैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा इन केस ऑफ लव एंड अफेक्शन. अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25(1). देखिए इसमें चार चीजें हैं. जब हम बात कर रहे हैं लव एंड अफेक्शन की, लेट्स से हम इसको पहले के एग्जांपल से देखते हैं, देन वी कम टू द रूल्स रिगार्डिंग इट. पहली बात है, एक जो पापा है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अपने बेटे को 5,000 रुपए प्रॉमिस करता है देने की, ठीक है. ए पुट्स प्रॉमिस, ए जो है फादर है, फादर क्या बोलता है अपने बेटे को, बी को लिख के बोलता है, और बी क्या करता है स्मार्टली उसको राइटिंग में लेकर के रजिस्टर भी करवा लेता है कि मेरा पापा ने जो है मुझे प्रॉमिस किया है कि 5,000 रुपए देगा. लिख के बोले हैं और रजिस्टर भी मैंने उसको करवा लिया है. द एक्सप्रेशन, सो यहाँ पे क्या है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अब इसमें लीगैलिटीज की बात करते हैं. यहाँ पे बात किया गया है कैसे, when we are talking about on the account of love and affection, the agreement is in writing and it is registered. A couple of things are more. So there should be four things you should take a note of when we are talking. कौन कौन से ऐसे केस होंगे जब एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो है वैलिड होगा. पहला है एग्रीमेंट एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग. अगर बोल के पापा ने प्रॉमिस किया, अच्छा बच्चा इस बार एग्जाम में तुम टॉप करेगा तो मैं तुम्हें 5,000 रुपीज दूंगा, तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं होगा. लेकिन पापा ने लिख के दे दिया कि मैं तुम एग्जाम में बच्चा टॉप करना, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, बच्चे ने जो है उसको रजिस्टर भी करवा दिया है लॉ के तहत, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि पापा और बच्चे के बीच में जो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिलेशन है, that should be present. And the fourth one is between the party standing in near relation. अब इस near relation का क्या मतलब है? When we say near relation will include parties related by blood or marriage.
तो फादर सन का रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं नियर रिलेशन के. सो सम काइंड ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज ऑल्सो इम्प्लाइड, बट द लव एंड अफेक्शन मे समटाइम्स बी ओवर रूल्ड बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. इसको भी हम एग्जाम्पल समझते हैं कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्लासिकल केस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इसको समझने के लिए, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए. एक क्लासिकल केस है राज लक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ. राज लक्ष्मी देवी क्या है, बीवी है, भूतनाथ जो है वो हस्बैंड है. हस्बैंड क्या कहता है, भूतनाथ जी क्या कहते हैं, हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि वो अपनी वाइफ को राज लक्ष्मी देवी जी को जो है एक फिक्स सम ऑफ मनी एवरी मंथ देगा फॉर सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई डिवोर्स का केस नहीं है, दोनों अलग अलग रहने को डिसाइड करते हैं. भूतनाथ जी कहते हैं कि मैं हर महीने एक फिक्स सम ऑफ मनी राजलक्ष्मी देवी जी को दूंगा रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस के लिए. द एग्रीमेंट वॉज कंटेन्ड इन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. अब राजलक्ष्मी देवी ने जो है इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा ली, विच मेंशन सर्टेन क्वारल्स. लेकिन डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया था कि इन दोनों के बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इट्स मियां बीवी के बीच में प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप नहीं है. यहाँ पर क्या है, झगड़े भी होते हैं और झगड़े होते हैं, डिसएग्रीमेंट है दोनों के बीच में, इसीलिए जो है दोनों अलग अलग रहने का डिसाइड किया. और भूतनाथ ने कहा ठीक है तुम अलग रहो मेरे से, राजलक्ष्मी मैं तुम्हें पैसा देता रहूंगा हर मंथ, सेपरेट रेसिडेंस देता रहूंगा. अब कुछ दिन बाद क्या होता है, भूतनाथ जी ने पैसा देना बंद कर दिया. राजलक्ष्मी देवी ने सोचा मेरे पास तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, तो राजलक्ष्मी देवी जी पहुंच जाती है कहां, कोर्ट में. द कोर्ट रिफ्यूज टू होल्ड द अग्रीमेंट वैलिड एज इट कुड नॉट फाइंड, ध्यान दीजिएगा, कुड नॉट फाइंड लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज हुज क्वरल्स हैड कंपेल्ड देम टू सेपरेट. देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन क्या है, अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अब इन दोनों के बीच में जो है लव एंड अफेक्शन तो है ही नहीं, उल्टे जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें भी झगड़े की बात लिखी है. सो इसी के लिए जो है यहाँ पर ये एक्सेप्शन जो है होल्ड नहीं करेगा, इस एक्सेप्शन का वह जो है कोर्ट नहीं कर सकती है फॉर गेटिंग सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हिज हर हस्बैंड. सो दिस वॉज एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, प्यार मोहब्बत शुरू में तो था लेकिन बाद में क्या हो रहा है, झगड़ा हो गया, एंड दैट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इज ओवर रूलिंग द अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन. सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सेप्शन. इसमें चार रूल है आपको ध्यान में रखना है. पहला रूल है जब हम बात करते हैं कोई भी अग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर हम उसको कंसिडरेशन मानते हैं, विदाउट कंसिडरेशन यह एक जो है वैलिड अग्रीमेंट होगा, तो इसमें चार कंडीशन बहुत जरूरत है. पहला है एक्सप्रेशन मस्ट बी राइटिंग, पापा ने जो है बच्चे को लिख के नहीं दिया तो क्या वह वैलिड होगा, नहीं होगा. सेकेंड इज इट शुड बी रजिस्टर्ड, राइटिंग में होना चाहिए पहली बात, दूसरी बात जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, तीसरी बात मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी मेड बिटवीन द पार्टीज ऑफ नियर रिलेशन. और नियर रिलेशन मतलब क्या, नियर रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन या फिर रिलेशन ऑफ मैरिज. सो दिस वॉज फर्स्ट एक्सेप्शन वी हैव डिस्कस्ड, एग्रीमेंट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. यहाँ पर कंसिडरेशन का जो है ये एक्सेप्शन है, कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन. अब हम जो है सेकेंड देखेंगे, कंपेंसेशन फॉर वॉलेंट्री सर्विस. ओके व्हेन वी से एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट द consideration is enforceable if the promise to compensate wholly or partly in a person who has agreed voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally bound to do. यहाँ पे क्या की बात, किसकी बात की जा रही है, past पिछला किया गया क्या voluntary service, आपने A finds B's purse, example समझिए B का जो purse है वह गुम हो गया और ए ने जो है उसको अपने खुद से ही जाकर के ढूंढ लिया, स्वेच्छा से खुद से ही जाकर के ए ने बी का पर्स ढूंढ लिया और
उसको वापस दे दिया। बी क्या प्रॉमिस करता है कि तुमने चूंकि मेरा पर्स वापस दे दिया है तो इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। सो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो है कंसिडरेशन जो है इसका एक्सेप्शन है। यहाँ पर पास्ट में किए गए काम के लिए कंसिडरेशन अगर बाद में पे किया गया, अग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेस। So, in order that a promise to pay for past voluntary services be binding, the following condition must be satisfied. अब इसके भी दो condition है। अगर हम बात कर रहे हैं past पहले किया गया voluntary services के लिए हमको compensation चाहिए, तो इसके भी दो condition होनी चाहिए। पहली तो the service must be rendered voluntarily। आपने उनको नहीं बोला है कि आपको बटुआ ढूंढ कर लाना है, वह खुद से बटुआ ढूंढ कर ला करके आपको दे देता है। और ये बटुए का जो रिवॉर्ड आपने 100 रुपए प्रॉमिस किया, द सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर एंड नोबडी एल्स। आप किसी और के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, जिसका जो सामान था केवल उसको ही ला करके दे रहे हैं। तो दो रूल यहाँ पे भी आपको याद रखनी है, वॉलेंट्री सर्विसेज रेंडर्ड करनी चाहिए पास्ट में, और दूसरी चीज कि प्रोमिसर के लिए ही जो है सर्विस रेंडर करी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट। टाइम बार डेट क्या होता है? टाइम बार डेट यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम जो डेट को पे करने के लिए डिसाइड किया गया था। लेट्स से हैड इट बीन जस्ट वन ईयर में एक व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारा डेट रीपे कर दूंगा। अब एक साल जो है बीत जाता है, फिर भी जो है पहले पर्सन ने डेट रीपे नहीं किया है। अब इस केस में क्या होगा? वह वापस जाता है और कहता है ठीक है, मैं आपका डेट जो है एक साल में तो नहीं चुका पाया, लेकिन मैं जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका डेट चुका दूंगा। तो अब यह प्रॉमिस अगर वह करता है सो वह तभी इन्फोर्सिबल होगा जब प्रॉमिस जो है राइटिंग में हो एंड साइन बाय द डेटर। डेटर ने प्रॉमिस किया है या फिर डेटर के जो किसी ऑथराइज एजेंट है उसने उस पर साइन की हो। So, a time bar debt cannot be recovered and therefore a promise to pay such debt is without consideration. देखिए हमने केवल जो है यहाँ पे प्रॉमिस की है जो कि टाइम बाउंड डेट रिकवर किया नहीं जा सकता है, लेकिन हमने प्रॉमिस की है कि मैं फिर भी तुमको पे करूंगा, एक साल बीत गया है फिर भी मैं तुमको पे करूंगा। सो सच डेट इज विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे भी जो है कुछ चीजें हैं जो एसेंशियल है। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन कब कब लागू होगा? पहली बात तो द प्रॉमिस शुड बी इन राइटिंग। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए केवल राइटिंग की बात की जा रही है। पहले जब हमने बात की थी नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे, जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के हमने सेक्शंस देखे थे तो यहाँ पे क्या था, एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड शुड बी रजिस्टर्ड। जबकि जब हम बात कर रहे हैं टाइम बाउंड डेट की तो यहाँ पे केवल 4 कंडीशन है। यहाँ पर प्रॉमिस शुड बी इन राइटिंग। जो डेटर है उसको केवल लिख के बोलना है कि ठीक है मैं तुम्हारा डेट पहले तो नहीं चुका पाया, अब चुका दूंगा। इट शुड बी साइंड बाय द प्रोमिसर, या तो प्रोमिसर के द्वारा साइन किया जाना चाहिए या फिर उसके किसी भी ऑथराइज्ड एजेंट द्वारा। एंड द थर्ड वन इज द डेट शुड बी टाइम बार्ड। टाइम बार्ड मतलब क्या होता है? द लिमिटेशन पीरियड फॉर द रिकवरी ऑफ डेट मस्ट हैव एक्सपायर्ड। यानी कि अगर डेट को चुकाने के लिए एक साल का टाइम इनिशियली अग्री किया गया होगा तो वह एक साल बीत जाने के बाद, हम जब डेटर प्रॉमिस करता है कि एक साल तो बीत गया लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा डेट चुका दूंगा, देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, इट मे बी होल और पार्ट ऑफ डेट। सामने से जो है प्रोमिसर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा डेट, मुझे कुछ और मोहलत दे दो, मुझे कुछ और टाइम दे दो, मैं तुम्हारा डेट चुका दूंगा। इट मस्ट बी इन होल और पार्ट, चाहे वह होल चुका पाए या फिर केवल पार्ट में चुका पाए। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन अ प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट होली और इन पार्ट इज इन्फोर्सेबल इफ सच प्रोमिस इज इन राइटिंग। नंबर वन, इट शुड बी साइंड बाय द डेटर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। टाइम बार डेट cannot be recovered and therefore a promise to repay such debt is without consideration. This is next exception. Completed gift. Completed gift मतलब क्या होता है? Completed gift मतलब आपने किसी को gift दे दिया, उसका birthday आया, आपकी girlfriend का birthday आया, आपने girlfriend को birthday पे
प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे की, एज अ गिफ्ट की, उसको आईफोन दे दिया, लेट से प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो गया गर्लफ्रेंड को देने के लिए. सो द गिफ्ट इज एक्चुअली मेड बाय द डोनर. डोनर यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या, बॉयफ्रेंड. गिफ्ट इज एक्चुअली मेड बाय द डोनर एंड एक्सेप्टेड बाय द डोनी विल बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन. ओके, सो सच इन केस द गिफ्ट एक्चुअली मेड, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि गिफ्ट है, गिफ्ट जो है कंप्लीटेड किया जा सकता, किया जा चुका है. अब आपने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट कर दी, अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो क्या ये आप उससे कंसिडरेशन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे. प्रॉमिस फॉर डोनेशन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने सिर्फ गर्लफ्रेंड को वादा किया है कि मैं बेबी तुमको आईफोन दिला दूंगा, सो प्रॉमिस फॉर डोनेशन इज नॉट अ गिफ्ट. ओनली व्हेन यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड गिफ्ट, देन दैट इज अ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन. सो दैट इज एन एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यह नेक्स्ट एक्सेप्शन है. देखिए पहले आप समझिए एजेंट मतलब क्या होता है. तो देखिए सिंपल भाषा में इसको समझे, मान लीजिए आपको अपना लेट्स से घर बेचना है और आपने एक दलाल, एक ब्रोकर को फिक्स किया कि ठीक है तुम जो है मेरा घर बिकवा दो, मैं तुमको उसका 2% दे दूंगा, 2% दे दूंगा. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपने एक दलाल के साथ डील की है या एक से ज्यादा दलाल को भी जो है आपने पकड़ा है कि मेरा यह काम करवा दो, मेरे को अपना प्रॉपर्टी को बेचने का है. सो सेक्शन 185 स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. क्रिएट एन एजेंसी मतलब क्या, आप एक ब्रोकर के साथ डील नहीं कर रहे हो, आप एक से ज्यादा ब्रोकर्स के साथ जो है डील कर रहे हो कि तुम मेरा प्रॉपर्टी बिकवा दो. तो आप केवल क्रिएट कर रहे हो एजेंसी. तो जब आप क्रिएट करते हैं एजेंसी तब कंसिडरेशन इज, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी. देखिए ज्यादातर केस में ऐसा ही होगा कि केवल आप एजेंसी क्रिएट कर रहे हो तब आपको जो है जरूरत नहीं है. लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग एन एजेंसी फॉर वाटर, स्मॉल वाटर फैक्ट्री, या फिर यू आर टेकिंग एन एजेंसी ऑफ मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी वगैरह जहां पर आप ले रहे हो, तो वहां पर हो सकता है आपको इनिशियली एक फिक्स सम डिपॉजिट करने की जरूरत पड़े. बट जनरली नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. कंसिडरेशन कहाँ जरूरत होता है इन केस ऑफ एजेंसी, लेट्स सी. Thus, when a person is appointed as an agent, his appointment is valid even if there is no consideration. हमने केवल एजेंसी क्रिएट की है, हमने केवल ब्रोकर को अपॉइंट किया है, तो यहाँ पर पर्सन अपॉइंटेड को जो है यह वैलिड होगा. हम भले उसको पैसा तब देंगे जब घर जो है हमारा बिक जाएगा. सो सच अपॉइंटमेंट इज वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन. So, although generally an agent gets remuneration by way of commission for the services rendered, but no consideration is immediately necessary at the time of appointment. ये necessary नहीं है, but हो भी सकता है. Next is your bailment. देखिए special contract जब हम करेंगे तो इसको और भी बहुत ज्यादा detail में करने वाले हैं. Bailment का concept समझ लीजिए. एक example से इसकी बात करते हैं. Let's say you give your watch for repair. So you are giving your watch to the repair guy for a special purpose, some purpose. And what is the purpose? जो watch आपकी खराब हो गई है उसको ठीक कर दे. तो जैसे ही जो shop owner है, जो shopkeeper है, वो क्या करता है, watch को ठीक करता है और आपको वापस कर देता है और उसके बदले में पैसे ले लेता है. ठीक है. So section 148 of the Indian Contract Act 1872 defines bailment as the delivery of goods from one person टू अनदर पर्सन. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, और किस लिए जा रहा है, सम पर्पस के लिए जा रहा है. मतलब पर्पस फुलफिल होते ही गुड वापस आ जाने वाला है. दिस डिलीवरी इज मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट पोस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस. जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो गया वैसे ही गुड वापस आ जाएगा. द गुड विल ईदर बी रिटर्न और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. हमने जो है गुड को या तो वापस आ जाएगा या तो उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा. किसी पर्पस के लिए गुड को डिलीवर करना बेलमेंट कहलाता है. एंड नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज योर चैरिटी. देखिए चैरिटी में जब हम
कोई काम करते हैं, लेट्स से हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, मान लीजिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं एक पार्क बनाने के लिए, ठीक है, इसको एग्जांपल समझिए, और पार्क बनाने में आपको लेट्स से 10,000 रुपए ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, पार्क बनाने में 10,000 रुपए ले रहे हैं, लोगों ने से जो है आपने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेट्स से आपको 10 लोगों से 1,000-1,000 रुपए ले रहे थे, 8 लोगों ने जो है क्या किया, पैसे दे दिए कि ठीक है पार्क बनाना है, बहुत अच्छा काम है, मैं तो सुबह उस मॉर्निंग वॉक के लिए उस पार्क को यूज करूंगा, सो आई विल पे, बट एंड मोमेंट पे 10 में से जो है 8 लोगों ने दे दिए, 2 लोगों ने बैकआउट कर दिए, मतलब 2,000 रुपए जो है नहीं कलेक्ट हुए जो है पार्क बनाने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, यही एक एग्जाम्पल में यहाँ पे मेंशन है, आफ्टर रेजिंग हाफ ऑफ द अमाउंट क्या होता है, कुछ लोग जो है बैकआउट कर जाते हैं, तो कितना जो है रिकवर किया जा सकता है, 2 लोग जो लोग बैकआउट किए हैं, 2 लोग जो लोग बैकआउट किए हैं केवल उस एक्सटेंट तक का जो नुकसान हुआ है वो रिकवर किया जा सकता है। सो इफ अ पर्सन इज अंडरटेकन अ लायबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ अनदर, दूसरे व्यक्तियों के जो प्रॉमिस पर उन्होंने जो है लाइबिलिटी ली, दायित्व लिया कि हम जो है एक चैरिटी का काम करेंगे, हम जो है पार्क बनाएंगे, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच वैलिड एंड हाउ मच कैन बी रिकवर्ड इट इज ओनली टू द एक्सटेंट द पीपल हु हैव बैक्ड आउट, सो इन दिस केस नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल डज नॉट अप्लाई। ये एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, बातें वही कही गई है, पीटर जो है एक ट्रस्टी है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करना चाहता है, एक स्मॉल पॉन्ड बनाना चाहता है ताकि वहां पर टाउन में ग्रीनरी और ज्यादा बढ़े, इससे वो लोगों को अपील करता है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आधा से ज्यादा अमाउंट जो है कलेक्ट करने के बाद जो है क्या होता है, पीटर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेता है कि पॉन्ड चलो पॉन्ड बनाओ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 10 लोग जो है बैकआउट कर देते हैं, पीटर फाइल करता है सूट अगेंस्ट देम फॉर रिकवरी, उन केवल 10 लोगों के जो है खिलाफ है वो सूट फाइल करता है, द कोर्ट क्या कहता है, 10 लोगों को कहता है कि तुम लोगों को पे करना पड़ेगा द अमाउंट, क्योंकि पीटर ने जब यह कॉन्ट्रैक्ट जो है लिया था, लाइबिलिटी लिया था इस चैरिटी का, सो दैट वॉज बेस्ड ऑन योर प्रोमिसेस टू पे, सो इवन इफ देयर वॉज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड एंड इनफोर्सेबल बाय लॉ। सो वी हैव कवर्ड ऑल द एक्सेप्शंस टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्सेप्शंस थे इसके, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन द बिहाफ ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंपेंसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, कंप्लीटेड गिफ्ट, एजेंसी, चैरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट इज योर अनलॉफुल कंसिडरेशन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, सो अनलॉफुल कंसिडरेशन होता क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन देखिए वो सारे कंसिडरेशन होते हैं जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, ऐसे नेचर के हैं जो कि लॉ को जो कह सकते हैं फ्रॉडुलेंट है, सिंपल भाषा में इट इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, दूसरे के किसी या तो पर्सनल इंजुरी करे या तो किसी के प्रॉपर्टी को इंजुरी करे, या फिर कोर्ट के अनुसार वो इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, सो ये सारे एग्रीमेंट जो है कैसे होंगे, अनलॉफुल कंसिडरेशन होंगे, इसमें जो भी चीज फॉरबिडन बाय लॉ है, नंबर 1 फ्रॉडुलेंट है, नंबर 2 सेकेंड है इम्प्लॉइज इंजुरी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी को, एंड द लास्ट वन इज इट इज अपोज टू इमोरल पब्लिक पॉलिसी और इमोरल, सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, सो दीज आर द अनलॉफुल कंसिडरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।